जी असल कैफेट आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं लेक्चर नंबर सिक्स आज के लेक्चर में हमारा चैप्टर वन कंप्लीट होगा लर्निंग ऑब्जेक्टिव थ्री कल हमने स्टार्ट किया था उसमें टाइप्स ऑफ एश्योरेंस हमने पढ़ लिया था जो इनहेरेंट इनहेर ऑफ ऑडिट है वो आज हम स्टडी करेंगे लेकिन उससे पहले एज क्विज आपके ग्रुप्स में शेयर कर दिया गया है जो स्टूडेंट ग्रुप में अगर ऐड नहीं है वो एज जैसा कि पहले प्रैक्टिस है एनटी डॉट कॉम पर जाए तो हाँ कोड एंटर कीजिए आज के क्विज का कोड है हमारा डबल सेवन सिक्स थ्री थ्री नाइन फोर जी तैयार है तो मुझे बताइए ताकि क्विज स्टार्ट करें yes, ओके जी चलिए आज का क्विज हमारा बेस कर रहा है टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पे जी आज सिर्फ छः क्वेश्चन हैं चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन ये रहा जी ए बी सी मैनुफेक्चरिंग इन लाहौर गोज एन ऑडिट टू कन्फर्म इट्स फाइनेंशियल पोजिशन फॉर ट्वेंटी थ्री वॉट इंश्योरेंस लेवल डज द ऑडिट प्रोवाइड ऑडिट क्या लेवल प्रोवाइड करता है रिजनेबल एश्योरेंस ठीक है लिमिटेड एश्योरेंस ऑडिट नहीं बल्कि रिव्यू यानी हमारी जो एश्योरेंस इंगेजमेंट्स हैं यानी ऐसी जॉब जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करके तो यूजर्स को उसकी एक्यूरेसी के बारे में बताते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्यूरेट है कि नहीं इसकी दो ऑप्शन होते हैं एक ऑप्शन यह है कि आप जो एश्योरेंस लेवल प्रोवाइड करेंगे ये सारा काम चेकिंग करने के बाद वो हाई लेवल का एश्योरेंस होगा हाई लेवल और एक लिमिटेड लेवल या मॉडरेट लेवल हाई लेवल एश्योरेंस का प्रैक्टिकली नाम है ऑडिट और लिमिटेड या मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस का प्रैक्टिकली एक दूसरा नाम क्या है रिव्यू इसीलिए यह कहा जाता है कि ऑडिट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रीजनेबल रिव्यू इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिमिटेड इंश्योरेंस रिव्यू का लफज रिव्यू एंगेजमेंट का लफज रिव्यू इंगेजमेंट का लफज जहां कहीं आएगा इसका मतलब होगा लिमिटेड एश्योरेंस और ऑडिट इंगेजमेंट का लफज जहां कहीं आएगा इसका मतलब होगा रीजनेबल है शोर स्पीज में शाबाश चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन टू यह रहा क्वेश्चन चलिए ये तो अभी डिस्कशन में भी हो गया था DEF Limited reviews its cash flow for cost. For cost, cash flow for cost कौन सी वाली cash flow है? Future की budgeted. For 24 in Karachi, what type of insurance is applicable? कौन सी वाली insurance applicable है? Limited. कैसे पता चला limited? क्योंकि उपर review का लफ्ज़ लिखा हुआ। अगर audit का लफ्ज़ लिखा होता तो फिर क्या मतलब होता इसका? रीज़नबल शब्बाश नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री ये रहा जी क्वेश्चन थ्री आपके साथ क्योंकि ऑडिट में पॉजिटिव फॉर्म ऑफ कंक्लूजन दिया जाता है ऑडिट में जो अश्योरेंस का लेवल होता है वो हाई और जो अश्योरेंस डिस्क्राइब करने का तरीका कार होता है वो पॉजिटिव है ठीक है वो फ्रेज याद है आपको

फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है ऑडिट करने के लिए जो प्रोसीजर परफॉर्म होते हैं वो आई एफ में नहीं है वो आई एस एस में है. ठीक है दो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, एक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए वो है आई एफ आर एस उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के रूल देखे एक है ऑडिट करने के लिए उसे क्या कहते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑडिटिंग आई एस एस मैनेजमेंट के लिए सिर्फ आई एफ आर एस का नॉलेज होना काफी का है. है? का ताकि देख सके फाइनेंशियल स्टेटमेंट आई एफ आर एस के, के मुताबिक बनी है कि नहीं बनी या जो भी कोई और फ्रेमवर्क है अगर कोई और फ्रेमवर्क है ज्यादातर आई एफ आर एस ही होता है हमारे और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का नॉलेज किस लिए होना जरूरी है ताकि ये देखा जा सके कि हमने प्रोसीजर क्या क्या परफॉर्म करना है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन फोर रहा जी क्वेश्चन जी जे के एल एंटरप्राइजेज इन इस्लामाबाद कंडक्ट दिव्यू वटर स्टेटमेंट इज लाइकली इशूड कौन से अच्छा ये उसने पॉजिटिव नेगेटिव का लफज या हाई मॉडरेट का लफज नहीं लिखा आपको फ्रेज दे रहा है कौन से फ्रेज के साथ ये रिव्यू रिव्यू रिव। रिव। है नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिफ्ट टू एंड अल्फाज में नहीं एक्सप्रेस करेगा इन अल्फाज को क्यों नहीं इस्तेमाल करेगा नहीं। क्योंकि ये ऑडिट में इस्तेमाल होते हैं इन अल्फाज की स्ट्रेंथ ज्यादा है ये अल्फाज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से बता रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है ये अल्फाज कम स्ट्रॉन्ग तरीके इनकी स्ट्रेंथ कम है इसीलिए चूंकि रिव्यू में लिमिटेड या मॉडल डेवलपोर होता है नथिंग का फ्रेज यूज करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एरर फ्री या प्रोवाइड तो एब्सोल्यूट कभी भी प्रोवाइड नहीं करते पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एरर फ्री ये आप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है याद रखिए हमारे पूरे ऑडिट में सिर्फ एक डॉक्यूमेंट ऐसी है जिसमें हमने अल्फाज को स्टैंडर्डाइज वे में एज इट इज यूज करना होता है और वो डॉक्यूमेंट है ऑडिट रिपोर्ट उसकी रीजन ये है ऑडिट रिपोर्ट के स्टैंडर्डाइज होने की क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट सारे शेयर होल्डर एक्सटर्नल वर्ल्ड को डिस्ट्रीब्यूट होनी है तो अगर हर ऑडिटर अपनी वो अपने सेंटेंस के साथ रिपोर्ट इशू कर रहा हो तो समझने में मुश्किल होती है ठीक है जैसे बाज होता है वो मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए जाए डिफरेंट लेबोरटरीज में उनका डिफरेंट फॉर्मेट होता है पैरामीटर्स वही आएंगे ब्लड टेस्ट में लेकिन वो किसी के ऊपर होंगे किसी के नीचे किसी का प्रेजेंटेशन का तरीका का डिफरेंट होगा तो वो जो डॉक्टर्स होते हैं उन्हें एक दफा जरा तसली से देखना पड़ता है कि कौन सा पैरामीटर कितना है किसी लेबोरटरी का ऊपर किसी का नीचे ऐसे होता है ना समे लेकिन हमारे ऑडिट प्रोफेशन में आई कैप ने ये कहा है फॉर्मेट होगा स्टैंडर्डाइज होगा आप पाकिस्तान के किसी भी की, किसी भी की तरतीब अल्फाज का इस्तेमाल सब एक जैसा होगा जहां पर अनमोडिफाइड ओपिनियन है वो सारे एक जैसी रिपोर्ट हो जहां पर मोडिफाइड है वो भी सारी ताकि यूजर्स को आसानी से पता चल जाए कि कहां पे चेंज है तो आपके ख्याल में क्या ये स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ रिपोर्ट अच्छा हमारे प्रोफेशन में प्रैक्टिस है या कि इसे ऑडिटर पे छोड़ देना चाहिए जिस ऑडिटर की जैसे मर्जी है वो रिपोर्ट तैयार करे बताइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन फाइव ये रहा जी क्वेश्चन जी एम एन ओ लिमिटेड को हाई कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए इन्वेस्टर्स के लिए कौन सा एश्योरेंस लेवल परसू करना चाहिए रीजनेबल शाबाश आज तो आसान क्वेश्चन है सारे नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स लास्ट क्वेश्चन ये रहा एस टी यू प्राइवेट लिमिटेड लाहौर इफ देयर फाइनेंशियल फाइनेंशियल मीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर परफेक्टली एक्यूरेट वर्ड शुड को कैसे रिस्पॉन्स करना चाहिए वेलकम करना चाहिए उसको एग्री कर लेना चाहिए एग्री नहीं करना चाहिए कैन अच्छा ये भी ठीक है स्टेटमेंट ये भी ठीक है स्टेटमेंट ये भी ठीक है लेकिन देखिए उसने पूछा क्या था कि मुझे परफेक्टली एक्यूरेट बताओ कि परफेक्टली एक्यूरेट है कि नहीं तो ये इंश्योरेंस की बात कर रहा है एबसोल्यूट इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते यहां पे आप पता है क्या कह रहे स्टेटमेंट का मतलब क्या है हाँ आप रीजनेबल इंश्योरेंस ऑब्टेन कर ले हमसे इससे आपको परफेक्टली एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपने उससे ये बताना है कि नहीं भाई आपकी डिमांड पूरी नहीं हो सकती फिर अल्टरनेट एक्शन ये है गौर से सुनिएगा बात जब क्लाइंट हमें कोई नेगेटिव चीज बताता है ना कोई गलत चीज को, ऐसी चीज जो पॉसिबल नहीं है या यूं कह लीजिए इसको एग्जाम स्टाइल में कन्वर्ट करते हैं क्वेश्चन को एग्जाम में किसी क्वेश्चन में उसने कोई हमें स्टेटमेंट दे दी जो स्टेटमेंट गलत है हमें क्या करना चाहिए पहली ऑप्शन सिर्फ यह बताना चाहिए स्टेटमेंट गलत है दूसरी ऑप्शन सही स्टेटमेंट बतानी चाहिए तीसरी स्टेटमेंट पहले यह बताना चाहिए कि आपकी ये स्टेटमेंट गलत है उसके बाद सही वाली स्टेटमेंट इंक्लूड करनी चाहिए बस ठीक थर्ड ऑप्शन बेहतर है तो यहां पे आप उसे ये तो रीजनेबल इंश्योरेंस की तरफ लेके जा रहे हैं आप उसे यह नहीं बता रहे कि तुम हमारी जो डिमांड है वो गलत है डिमांड जो है वो गलत है उसको ये नहीं बता रहे इसीलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सी है कैन नॉट प्रोवाइड एब्सोलूट इंश्योरेंस हम इसे कहेंगे नहीं कर सकते। ठीक है? की तरफ आना है या नहीं आना समझ रहे हैं अगर किसी स्टूडेंट का कोई इख्तलाफ है तो वो डिस्कस कर ले। ठीक है पॉसिबल होगी रिजेबल इंश्योरेंस लेकिन उसने स्टेटमेंट क्या बोली मुझे एब्सोलूट इंश्योरेंस चाहिए तो हमारा जवाब क्या आना चाहिए कैन नॉट ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है आर्ग्यूमेंट बी में भी किया जा सकता है कंसेप्चुअली ये ठीक है लेकिन कंटेक्सट ऑफ द क्वेश्चन अगर आप देखें ना उसके लिए जो मोर स्पेसिफिक है कंटेक्स को सामने रखते हुए वो है हमारी ऑप्शन डी और एमसीक्यूज में अक्सर ये प्रॉब्लम होती है क्या ऑडियंट में एमसी एमसीक्यूज होते नहीं सिर्फ नॉलेज टेस्ट करने के लिए हम यूज करते हैं कि सम टाइम एक से ज्यादा क्वेश्चन करेक्ट होते हैं

लेकिन एमसीक्यूज में चुके एक ऑप्शन सेलेक्ट करनी है इसीलिए इसमें कैन नॉट प्रोवाइड एब्सोल्यूट इश्योरेंस कुछ समझ आई नहीं क्या कहते हैं आप दोनों ठीक रहे हो नहीं नहीं ये बेनिफिट ऑफ डाउट दे दूं या ना नहीं ठीक है नहीं नहीं ठीक है ठीक तो है जो मैंने आपको बता दिया एमसी क्यूज में एक ऑप्शन करेक्ट होती है मोर ऑप्शन यही है ठीक है चलिए अब चलते हैं हम हाँ। लीडर बोर्ड की तरफ जी फर्स्ट पोजीशन शाबाश जल्दी से प्राइस डिस्ट्रीब्यूट कीजिए फर्स्ट पोजिशन कितनी हाईबीर क्लास मैंने कहा था परफॉर्मेंस चेक करूंगा फर्स्ट पोजीशन किन की है ये तो लगता है ऑनलाइन का बच्चा है कोई अच्छा ऑनलाइन स्टूडेंट्स में अगर किसी का प्राइस आए पोजीशन आए तो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर ले स्क्रीन अपना हमारी टीम उसे कॉन्टेक्ट करके उनसे तो शेयर कर देगी सेकेंड पोजिशन फर्स्ट किन की थी हाइब्रिड। कितने हाइब्रिड हाथ उठाइए फर्स्ट पोजीशन किन की है नजर नहीं आ रहा हाथ की हाइब्रिड में सेकंड पोजीशन, सेकंड पोजीशन किन की है हाथ उठा दे अब अल्लाह के बंदे उठा दे तेरी मेहरबानी यार पता चल जाए मेरे को थर्ड पोजीशन थर्ड पोजीशन हाथ उठाइए कौन है कौन है फोर्थ पोजीशन फिफ्थ पोजीशन हाँ ये हाइब्रिड में बैठे हैं फिफ्थ पोजिशन शाहबाश्थ पोजिशन शाबाश सेवेंथ पोजिशन सेवंथ पोजिशन किया पोजीशन पोजिशन पोजीशन पोजिशन हाइब्रिड हाँ आज हाइब्रिड की परफॉर्मेंस अच्छी है शाबाश शाबाश नाइन्थ पोजिशन नाइन्थ पोजिशन टेंथ पोजिशन चलिए इसको हम हाँ करते हैं हम कंक्लूड और अब चलते हैं अपने असाइनमेंट क्वेश्चन की तरफ असाइनमेंट दी गई थी ना आपको असाइनमेंट yes, बाद में रिवाइज कर दी गई थी जो ग्रुप में आपको भेजी थी उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन था ऐसा ही है ना yes, तो आपने वो ग्रुप में देख लिया था कि असाइनमेंट रिवाइज हो गई चलिए क्योंकि वो कल लर्निंग ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं हो सका था अच्छा जेन में रखिएगा अगर कभी जो मैं आपको लेक्चर प्लान दूँ किसी वजह से की तादाद क्लास में ज़्यादा हो जाती है और मैं कंप्लीट ना कर पाऊँ तो आपकी असाइनमेंट रिवाइज हुआ करेगी ठीक है उस सूरत में मैं कोशिश करूँगा कि दो बजे से पहले दोपहर दो यानी आपके घर जाने से पहले पहले प्रोर के बाद ही आप घर जाते होंगे उससे पहले पहले आपको रिवाइज असाइनमेंट मिल जाएगा करें प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए कोई क्वेश्चन जी जी ठीक है ठीक है मैं समझ गया शाबाश शाबाश क्वेश्चन इनका ये है कि सर आपने बताया है अगर दो लेवल ऑफ इंश्योरेंस है मॉडरेट लेवल ऑफ इंश्योरेंस और रीजनेबल लेवल ऑफ जो हम क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकते हैं भी है लेकिन वो क्लाइंट को प्रोवाइड नहीं कर सकते क्वेश्चन इनका ये है कि जब हमने हाई लेवल ऑफ इंश्योरेंस ऑब्टेन करना है तो मोर प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए ऐसा ही है तो कहा हमने सेल्स को वेरीफाई करना है तो हम तो सेल इनवाइसिस को चेक करते हैं सेल वेरीफाई करने के लिए तो मॉडरेट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं तब भी सेल इनवाइस को चेक करेंगे हाई प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं तब भी सेल इनवाइसिस को चेक करेंगे ठीक है तो फिर इसमें लेवल ऑफ इंश्योरेंस बढ़ेगा कैसे ठीक है इसके दो रीजंस हैं कि हम कैसे हाई लेवल ऑफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं एक टर्म हम बोलते हैं नेचर ऑफ प्रोसीजर ऑडिट में एक हम बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर तो जब मॉडरेट से हाई लेवल ऑफ श्योरेंस पर जाना हो ना तो एक काम जो बहुत ऑब्वियस है वो तो ये है कि आप एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर बढ़ा देते हैं जैसे मॉडरेट लेवल ऑफ इंश्योरेंस में आपने तकरीबन सेवेंटी परसेंट अमाउंट को चेक करना हो तो जब आप रीजनेबल लेवल ऑफ इंश्योरेंस पे जाएंगे तो आप लगभग 95 फाइव परसेंट ट्रांजेक्शन अमाउंट को चेक करेंगे एक तो ये हो गया दूसरा याद रखें किसी भी एरिया को वेरीफाई करने के लिए कोई एक प्रोसीजर नहीं होता डिफरेंट टाइप्स के प्रोसीजर होते हैं अभी चूंकि हमारा स्टार्ट चल रहा है तो मैं आपको वो उन टाइप्स ऑफ प्रोसीजर के बारे में नहीं बता सकता टोटल हमारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में सेवन टाइप्स ऑफ प्रोसीजर हैं तो हम एक प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं ये जो सेल इनवाइस को चेक करना है सिर्फ एक प्रोसीजर है और भी बहुत से प्रोसीजर्स हैं और आप उनको डिफरेंट वे में भी परफॉर्म कर सकते हैं जैसे सेल इनवाइसिस को चेक करना है लेकिन साथ गुड डिस्पैच नोट को भी चेक करते हैं ठीक है इवन कस्टमर से कैश आ जाना यह भी सेल का एविडेंस होता है कि भाई सेल किया है तो कस्टमर ने पैसे दिए हैं ना वरना कस्टमर क्यों पैसे देगा तो इसीलिए जहन में रखिएगा किसी भी एरिया को वेरीफाई करने के लिए सिर्फ एक प्रोसीजर नहीं है बल्कि बहुत से प्रोसीजर्स हैं लेकिन वो अभी चूंकि हमारा स्टार्ट है अभी हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं प्रोसीजर्स की तरफ हम बात में आएंगे तो ये बात समझ आ गई आपको कि जब हम मॉडरेट uh, से हाई लेवल ऑफ श्योरेंस की तरफ जाते हैं तो एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर भी बढ़ जाती है और नेचर ऑफ प्रोसीजर भी चेंज हो जाते हैं ज्यादा हो जाते हैं क्लियर और की क्वेश्चन जी जी हाँ जी बिल्कुल अच्छा उससे पहले एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था हाइब्रिड क्लास में ऑडिट और रिव्यू में फर्क वो जब क्विज के अंदर क्वेश्चन आया तो मैंने उसमें एक्सप्लेन कर दिया ऑडिटोर रिव्यू का फर्क ठीक है जी एक और ने क्वेश्चन पूछा था इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट क्या होती हैं इनहेरेंट ठीक है जी ओ, हम हमें यह तो पता है कि हम एबसोल्यूट इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते प्रैक्टिकली एग्रेड yes, अगला क्वेश्चन ये राइज होता है क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं ठीक है क्यों नहीं प्रोवाइड कर इसकी रीजन ये है कि एब्सोलूट एश्योरेंस है हंड्रेड परसेंट या परफेक्ट लेवल ऑफ एश्योरेंस ये जो काम करना है वो ऑडिटर ने करना है और एज ऑन टुडे जो ऑडिटर्स होते हैं वो इंसान हैं इंसान ही ऑडिट कर रहे हैं और इंसान जितना मर्जी प्रैक्टिस कर ले उसके काम में कहीं ना कहीं कमी रह ही जाती है कोई तो भी इंसान परफेक्ट नहीं सुना होगा आपने तो इसीलिए जो ऑडिटर काम करता है जो एविडेंस ऑबटेन करता है वो परफेक्ट नहीं होता वो सेटिस्फैक्टरी तो होता है वो परफेक्ट नहीं होता इसीलिए उसने लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ जो आप एविडेंस ऑबेन करते हैं इज परसुएसिव रादर देन कंक्लूसिव यानी एविडेंस परसुएसिव तो है कंक्लूसिव नहीं है ठीक है कंक्लूसिव का मतलब परफेक्ट एविडेंस होना ठीक है वो oh, एविडेंस का मतलब होता है सेटिस्फैक्टरी होना कन्विंसिंग होना तो हम जो एविडेंस इकट्ठा करते हैं वो तो है वो परफेक्ट नहीं है क्लियर जी ठीक है जैसे फर्ज कीजिए मिसाल दे रहा हूं मेरा ऑडिट सीनियर जो है मैं जूनियर सीनियर ने मुझे कहा के इन भाईजान के नेशनैलिटी कन्फर्म करें नेशनैलिटी कन्फर्म करें इनकी ठीक है अब अब असल में तीन वर्ड आपके तीनों में फर्क बताना चाह रहा हूं लेस देन परसुएसिव परसुएसिव और कंक्लूसिव हम ऑडिट में परसुएसिव एविडेंस हासिल करते हैं कंक्लूसिव नहीं करते लेस देन परसुएसिव भी नहीं करते हैं फर्क सुनिएगा मैनेजर ने टारगेट क्या दिया मुझे इन भाईजान की नेशनैलिटी कंफर्म करनी है ये मेरा ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव मकसद या इसे कहते हैं अजर्शन है इस अजर्शन को, को, को चेक करना है इस स्टेटमेंट को चेक करना है मैंने किस अजर्शन की स्टेटमेंट को चेक करना है कि इन भाईजान की नेशनैलिटी क्या है ये ये कह रहे हैं ये पाकिस्तानी ने नेशनैलिटी चेक करो कंफर्म करो मेरा पहला प्रोसीजर आपने बताना है कि क्या इस प्रोसीजर के परफॉर्म करने से ज्यादातर लोग कन्विंस हो जाएंगे कि ये पाकिस्तानी है स्टेटमेंट ये दी कि ये पाकिस्तान मेरा पहला प्रोसीजर बताने लगा क्या आप मैं क्या आप पाकिस्तानी हैं जी उन्होंने कहा जी मैंने मैनेजर को जाके कह दिया जी सर ये पाकिस्तानी है मैंने पूछ लिया क्या मैनेजर कन्विंस हो जाएगा नहीं मैनेजर एक लगाएगा वो कहेगा भाई ये सिर्फ इंक्वायरी करनी होती वो तो मैंने भी कर ली थी वो तो खुद से बोल रहा है अब खुद से एक बंदा सुबह स्टेटमेंट देगा और शाम को ये थोड़ी कहेगा कि मैंने झूठ बोला था तो ये भी हालांकि इंक्वायरी मैंने की एविडेंस जरूर है ये कौन सा एविडेंस है इसको ने बोलते ने हैं लेस देन परसुएसिव है ये सफिशिएंट एप्रोप्रिएट नहीं है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट नहीं है। ठीक है जी अच्छा ओके दूसरी चीज मैंने इन भाईजान से कहा भाई जहां अपना जरा आईडी कार्ड तो चेक करवाए इन्होंने अपना आईडी कार्ड दिखाया मैंने उस पर शक्ल के साथ मैच कर ली वो मैच हो रही थी अब की बार मैंने मैनेजर से जाके कहा सर ये पाकिस्तानी है बताइए क्या मेरे ये प्रोसीजर कन्विंसिंग है ये क्या ये प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद ज्यादातर लोग मान जाएंगे कि ये पाकिस्तानी है ये बिल्कुल मान जाएंगे इसको कहते हैं परसुएसिव एविडेंस जिससे परसुएड किया जा सके ज्यादातर लोगों को कन्विंस किया जा सके कि ये बात ठीक है हमारे आईटी स्टैंड कहते हैं इस लेवल पे जाके प्रोसीजर परफॉर्म करने एविडेंस लेना है आपने ठीक है लेकिन याद रखिएगा कि प्रॉब्लम तो अभी भी हो सकती है आईडी कार्ड जाली भी बन सकते हैं हो सकता है इसने नादरा में किसी को फर्ज कीजिए मिसाल दे रहा हूं रिश्वत दे के जाली आई डी कार्ड बनवाया हो बाजुकात ऐसे होता है जो हमारी नेबरिंग कंट्री से कुछ लोग आते हैं और वो इस तरह तो आई डी कार्ड बना के तो रहना शुरू कर देते हैं ठीक है अभी भी पॉसिबल है इसके लिए क्या करना पड़ेगा इसके लिए फिर करना ये पड़ेगा नादरा के रिकॉर्ड में जाके चेकिंग करनी पड़ेगी ठीक है और वो सारी डॉक्यूमेंट्स इसके निकाल के उनका फोरेंसिक करवाना पड़ेगा वेरिफिकेशन वो बहुत हाईएस्ट लेवल पे जाके चेकिंग करनी पड़ेगी वो अगर कोई फर्ज कीजिए कोई दहशतगर्द खुदा नास्ता हो उस केस में तो की जाती है नॉर्मल केस में ऐसे वेरिफिकेशन नहीं एग्री करते हैं इस लेवल ऑफ एविडेंस के अगर आप इस लेवल पे जाके एविडेंस कलेक्ट करें कि आप है कि एक, एक चीज को गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में देखें और जाके पीछे सारी उसके जहां पे वो रहता है बंदा फॉर एग्जाम्पल उसकी दस पंद्रह बीस साल की हिस्ट्री देखे सारी इस लेवल पे जाके एविडेंस ऑप्टेन करना ये कहलाता है कंक्लूसिव एविडेंस वो कहते हैं ऑडिट में कुछ बहुत ही रेयर या सेंसिटिव नेचर की जो असाइनमेंट्स होती हैं उनमें तो शायद इस लेवल पे जाके काम किया जाता हो ऑडिट में ऑडिटर के लिए इस लेवल पे जाके काम करना जरूरी तो तीन लेवल है एक है लेस देन परसुएसिव एक है परसुएसिव और एक है कंक्लूसिव तो हम अपने प्रोफेशनल uh, लाइफ में कौन सा एविडेंस ऑप्टेन करते हैं परसुएसिव कंक्लूसिव रिक्वायर्ड नहीं है और लेस देन एक्सेप्टेबल नहीं है समझ रहे हैं? ये बात जो मैंने बोली समझ आई yes, तो इसीलिए उसने कहा कि हम रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं हम खुद सोचें अगर कंक्लूसिव एविडेंस होता फिर एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड करने के काबिल होते ठीक है चूंकि कंक्लूसिव एविडेंस नहीं

कोई मुझसे कहे कि भाई ये उधर जाके वो चीज उतार के उधर लगा दो वो सफाई कर दो मैं क्या कहूँगा मैं ये नहीं कर सकता क्यों मेरी इनहेरेंट लिमिटेशंस है उसी तरह ऑडिट प्रोफेशन में भी ऑडिटर कभी एब्सोल्यूट अशरेंस प्रोवाइड नहीं कर सकता क्यों नहीं कर सकता कुछ इनहेरेंट लिमिट याद रखें वो इनहेरेंट लिमिटेशन सिर्फ हमारी फर्म के साथ नहीं है वो पाकिस्तान में दूसरी फर्म के साथ भी है वो यूके की फर्म के साथ भी ऑस्ट्रेलिया जर्मनी यूएसए की फर्म के साथ भी है, है। इसीलिए तो उसे इनहेरेंट इनहेरेंट बोलते हैं का मतलब जो बाय बर्थ किसी बाय बर्थ हमारे प्रोफेशन के में लिमिटेशन है क्या कि हम एब्सोल्यूट प्रोवाइड नहीं।, नहीं कर सकते और वो यहीं से सवाल उठाता है कि क्यों नहीं कर सकता ये बताओ आप अपने काम की परफेक्ट इंश्योरेंस हंड्रेड परसेंट गारंटी क्यों नहीं दे सकते ये बताओ तो अगर कोई आपसे ये सवाल पूछे आपने वन वर्ड आंसर देना है तो क्या बताएंगे क्यों नहीं दे सर आप कहेंगे ड्यू टू ऑफ ऑडिट और अगर वो कहे Explain with the help of examples, कि एक्सप्लेन विद हेल्प ऑफ कि इनहरे लिमिटेशन ऑफ ऑडिट क्या है तो आज हम वो पढ़ने जा रहे हैं ऑफ ऑडिट अभी थोड़ी देर में पढ़ पाए और क्या क्वेश्चन चलिए अब क्वेश्चन असाइनमेंट आपको दी थी इसको डिस्कस करते हैं क्वेश्चन फाइव ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है ऐसा ही है कैसे पता चला पास्ट पेपर का क्वेश्चन है लिखा हुआ है टू 2015 में आया था क्वेश्चन का नंबर है वन पार्ट जी क्वेश्चन है थ्री मार्क्स का सबसे पहले क्या करूं स्टेटमेंट पढ़ लूं सबसे पहले टाइम बाउंड करना है अपने आप को जरा बताइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितना टाइम चाहिए थ्री इंटू वन पॉइंट एट आंसर आया अठारह दे पॉइंट फोर यानी पांच मिनट चौबीस सेकेंड राउंड ऑफ कर लें और राउंड ऑफ डाउनवर्ड करना है आपने क्योंकि एग्जाम में थोड़ा प्रेशर भी होता है जिसकी वजह से टाइम वेस्ट होता है पांच मिनट में कर तो इसके साथ लिख लीजिए फाइव मिनट्स जब कभी आपने रिटर्न कोई भी क्वेश्चन करना है आपने अपने आप को टाइम बाउंड कर लेना है खास तौर पर ऑडिट में रहा है डिफरेंट लेवल ऑफ इंश्योरेंस डेट कैन बी प्रोवाइडेड टू इंश्योरेंस क्लाइंट्स तो ये तीन लेवल ऑफ इंश्योरेंस हो गए नहीं दो हुए टोटल लेवल ऑफ इंश्योरेंस तीन है लेकिन डेट कैन बी प्रोवाइडेड टू क्लाइंट्स ये कितने हैं वो दो हैं और कौन कौन से होंगे रीजनेबल इंश्योरेंस लिमिटेड इंश्योरेंस ठीक है अब मुझे इनको डिफाइन करना है ऐसा ही है दो चीजों को डिफाइन आपके ख्याल में मार्किंग एलोकेशन क्या होगी अब क्वेश्चन के अंदर दो कंसेप्ट आ गए हैं 1.5, 1.5, ठीक है ये मार्किंग आपने अपने में कर है। ये दो से 1.5। अब रिजनेबल इंश्योरेंस की डेफिनेशन लिखेंगे उसकी एग्जांपल क्या होगी ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिमिटेड इंश्योरेंस की डेफिनेशन लिखेंगे एग्जांपल क्या होगी क्लियर क्या वो जो ड्राफ्टिंग वाली एग्जाम्पल है वो लिखेंगे गैस करें गैस आपके ख्याल में क्या सिर्फ इतना लिखें कि रिजनेबल एश्योरेंस इज हाई बट नॉट एब लेवल ऑफ एश्योरेंस विच इज एक्सप्रेस इन पॉजिटिव फॉर्म ऑफ कंक्लूजन एक नंबर इसका दे देगा आधा नंबर शायद होगा एग्जाम्पल का क्या इसका एक नंबर दे, दे देगा मेरा ये ख्याल है रिस्की है ये एज्यूम करना है एग्जाम में याद रखिए आपने जितने पॉइंट्स लिखने होते हैं ना पॉइंट्स की बात कर रहा हूं पॉइंट्स वैलिड पॉइंट एक वैलिड पॉइंट का आधा नंबर होता है आधे नंबर आपने लेके चलना है स्टैंडर्ड मार्किंग तो मेरा ये ख्याल है अगर उसने डेढ़ मार्क्स रखे ना तो जीरो पॉइंट फाइव मार्क होंगे डेफिनेशन के जीरो पॉइंट फाइव मार्क होंगे वो स्टेटमेंट ड्राफ्टिंग के और जीरो पॉइंट फाइव मार्क होंगे एग्जाम्पल के अब एग्जामिनर ना 0.25 लेवल तक जाता है उस लेवल तक मैं आपको लेके नहीं जाना चाहता वरना एन है के के 0.25 मार्क्स हो और ड्राफ्टिंग 0.75 लेकिन इतनी कम्पलेक्स कैलकुलेशन करने की एग्जाम में जरूरत नहीं है सिंपल में रखे हैं तीनों चीजें मुझे लिख देनी चाहिए अगर टाइम हो अगर टाइम नहीं है फिर आप ड्राफ्टिंग जो है ना लिखें या उसको ड्राफ्टिंग को शॉर्ट करके लिख दें बाजू का जो अहम अल्फाज हम लिख देते हैं आगे डॉट्स डॉट्स लिख देते हैं ये भी अच्छा तरीका ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन कोशिश करनी है गिवन टाइम के अंदर जितना ज्यादा लिख सके उतना बेहतर है एग्रीड yes, बात समझ आ गई चलिए इसमें कोई प्रॉब्लम अच्छा अब चलते हैं ये लिमिटेड की वर्डिंग सुना सकते हैं क्या होती है सुनाइए शाबाश हाइब्रिड क्लास में रूम नंबर में रूम नंबर सिक्स में जो फ्रंट पहली रो में मेल स्टूडेंट बैठा है जरा इन ये बताए रीजनेबल इंश्योरेंस की वर्डिंग क्या होगी रूम नंबर सिक्स में जी जी बिल्कुल आप ही जी जी आवर ओपिनियन to... नहीं, नहीं 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 मैंने रीजनेबल इंश्योरेंस पूछा है आप लिमिटेड बता रहे हो इन आवर ओपिनियन द फाइनेंशियल ऑफ एबीसी लिमिटेड जी ठीक है बिल्कुल ठीक है सही जगह पे पहुंच गए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एबीसी कंपनी गिव ट्रू एंड फेयर व्यू दरमियान में आगे स्टैंडर्ड वर्ड आते हैं लेकिन मेन कंसेप्ट यही है ठीक है चलिए आज अब हम सीखने जा रहे हैं नया कंसेप्ट और ये कंसेप्ट अहम है इसको यू कह ले कि ऑडिट में यह कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट में से एक है इसको अच्छे तरीके से समझना है आपने है क्या हम अभी तक के ऑडिट में यह सीख चुके हैं कि ऑडिटर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वेरिफिकेशन करनी है और वो श्योरिटी प्रोवाइड करता है यूजर्स को कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है ये श्योरिटी के दो लेवल हो सकते हैं जैसा यूजर सेलेक्ट करेगा वैसा ही हम काम करेंगे दो लेवल क्या है लिमिटेड एश्योरेंस और रीजनेबल एश्योरेंस ये क्या एश्योरेंस के लेवल हमें समझ आ गए किस किस केस में कौन सा लेवल दिया जाता है ये भी समझ आ गया ऑडिट रिव्यू अब क्वेश्चन उसका ये है कि ये बताइए कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं प्रोवाइड की जा सकती हमने कहा जी एबसोलूट इंश्योरेंस इसलिए नहीं प्रोवाइड की जा सकती इन ऑफ है उसने कहा इनको एक्सप्लेन कीजिए अब हम ये जानने की कोशिश करने लगे हैं कि हम क्यों एबसोल्यूट इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते वकील से पूछे भाई क्यों एबसोलूट इंश्योरेंस प्रोवाइड 100 परसेंट गारंटी क्यों नहीं दे सकते वो कहते हैं कुछ पता नहीं हालात का एविडेंस का हम एविडेंस प्रोवाइड करते हैं काउंटर पार्टी दूसरी पार्टी भी एविडेंस प्रोवाइड करती है अब पता नहीं उस वक्त जज को कौन से वाला ज्यादा कन्विंसिंग लगे रोज के मुताबिक फैसला कर दे हमें तो नहीं पता ना स्टूडेंट से पूछा भाई आपने इतनी मेहनत की है हंड्रेड परसेंट गारंटी क्यों नहीं दे सकते कि पास हो जाएंगे स्टूडेंट गया सर टॉपिक तो सारे कवर किए हैं लेकिन फिर भी इंसान है गलती हो सकती है हो सकता है उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो अनप्रिडिक्टेबल था पास पैटर्न से हटके था या हो सकता है उस वक्त मेरी तबीयत खराब हो जाए कहाँ थोड़ी जा सकता है कल क्या होगा मैं थोड़ा सा सेंटर जाने में लेट हो जाऊं क्वेश्चन आता हो उस वक्त फौरी तौर पे जेह में ना आ सके पर डिफरेंट रीजन हो सकती है आप चाहे जितनी मर्जी तैयारी कर लें स्टिल हंड्रेड परसेंट गारंटी नहीं दे सकते लिमिटेशन है तो उसी तरह आइटर है डॉक्टर भी ये कहते हैं कि हम जितना मर्जी अच्छा इलाज कर लें जिंदगी मौत तो अल्लाह तला के हाथ में है बचना है कि नहीं बचना मरीज नहीं यह गारंटी हम नहीं दे सकते हाँ हमने जो कुछ सीखा है उसके मुताबिक ऑपरेशन करेंगे प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे तो कोई भी प्रोफेशनल अपने काम की 100 परसेंट गारंटी नहीं दे इस तरह आल्टर भी नहीं दे सकता लेकिन चूंकि हम बाकी प्रोफेशन की बात नहीं कर रहे ऑडिट की पढ़ रहे हैं तो कर रहे हैं तो कह रहे हैं रीजन बताइए क्यों आपसे प्रोवाइड नहीं कर सकते तो ये रीजन अब वन बाय वन आपके साथ शेयर होने लगे पहली रीजन नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छा ये रीजन जरा गौर से सुनिएगा क्योंकि इनमें से आगे कुछ कंसेप्ट निकलेंगे कि वाई एप सिलूटेश हंड्रेड परसेंट गारंटी दी जा सकती इसलिए कि इनहेरेंट ऑफ ऑडिट वो क्या है पहली एग्जाम्पल अब ये सारी एग्जाम्पल तो कुछ एग्जाम्पल के सब पॉइंट हैं वो थ्री इन वन टू इन वन भी हो सकती है पहली एग्जाम्पल नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की नेचर ही ऐसी है कि हम हंड्रेड परसेंट एश्योरेंस नहीं दे सकते क्यों क्यों नेचर में ऐसा क्या मसला है देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है ना हमारी हम जो नॉर्मली प्रिपेयर करते हैं वो होती है हिस्टोरिकल पास्ट की ऐसा ही है उसमें ट्रांजेक्शन पास्ट वाली होंगी बिल्कुल लेकिन याद रखें हर पास्ट हर ट्रांजेक्शन पास्ट ट्रांजेक्शन नहीं होते फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे भी होती हैं जो फ्यूचर से रिलेट कर रही होती हैं हम उनका अंदाजा लगाते हैं जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट ठीक है अब हम अंदाजा लगाते हैं कि फ्यूचर में में कितने डेटर्स बैड होंगे में भी अंदाजा जजमेंट्स अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व उसमें भी हम अंदाजा लगाते हैं ये फिक्स कितने साल चलेगा हो सकता है उससे कम साल चले हो सकता है जितनी लाइफ है उससे ज्यादा साल चले तो फर्क हो सकता है हो सकता है या नहीं हो सकता है। जितना अंदाजा लगाएंगे उतने साल चलेगा नहीं चलेगा क्या मुझे बता सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के और कौन कौन से एरियाज हैं जिनमें हम एस्टीमेट्स, जजमेंट्स अप्लाई करते हैं या जिनमें अनसर्टेनिटीज होती हैं हो सकता है फ्यूचर में वो अमाउंट डिफरेंट हो जाए कुछ और प्रोविजन फॉर बेटर बता दिया मैंने फेयर वैल्यू एसेट्स की बिल्कुल वो भी अंदाजा लगाते हैं कि इसकी मार्केट वैल्यू इतनी है एग्जैक्ट वैल्यू तो तब तो तो पता चलेगी जब वो एसेट बिकेगा ऐसा ही है बिल्कुल ठीक है फेयर वैल्यू भी इसकी एग्जाम्पल है और डिसमेंटलिंग दस पंद्रह साल बाद वाली कॉस्ट होती है जो आप अभी अंदाजा लगा रहे होते हैं क्या कंफर्म है कि दस पंद्रह साल बाद उतनी ही कॉस्ट लगेगी वो डिफरेंट हो सकती है और कोई आपसे पूछे कभी आपने तो इतनी एस्टीमेट की थी दस साल बाद इतनी हो गई तो वो क्या बोलेगा वो कहेगा मैं नजूमी थोड़ी हूं मुझे थोड़ी पता था

वेरीफाई नहीं किया जा सकता उनकी नेचर ऐसी है तो जिसको कैलकुलेट कैलकुलेट तो जिस नहीं किया जा सकता तो जिस फिगर को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता हंड्रेड परसेंट एक्यूरेटली उसको क्या ऑडिटर हंड्रेड परसेंट एक्यूरेटली वेरीफाई कर सकता है नहीं कर सकता ये पहली और बड़ी लिमिटेशन क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनको मैनेजमेंट 100 परसेंट एक्ूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकती तो एस सी एफ ओ जब तुम 100 परसेंट एक्रेटली प्रोविजन फॉर बैड डेट कैलकुलेट नहीं कर सकते तो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हो कि हम 100 परसेंट एक्रेटली उसको वेरीफाई करके बताएं कितनी अमाउंट होगी पहले रीजन नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छा इसमें एक जो हिडन कंसेप्ट है वो ये कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ एरियाज ऐसे होते हैं कुछ उनकी नेचर ऐसी होती है उनमें एस्टिमेट्स जजमेंट्स और अनसर्टेनिटीज होते हैं ठीक है हिडन कंसेप्ट यह है कि ऐसे एरियाज को वेरीफाई करना नॉर्मल एरिया को वेरीफाई करने से ज्यादा मुश्किल है ज्यादा मुश्किल है ऐसे एरियाज में रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट ज्यादा है, है। शाबाश यह कंसेप्ट आपका फ्यूचर में काम आएगा ठीक है एक रिपेयर एक्सपेंस है एक तरफ एक तरफ प्रोविजन फॉर बैड डेट है दोनों में से किसको आप ज्यादा एक्यूरेटली वेरीफाई कर सकते हैं रिपेयर एक्सपेंस उसके साथ में इनवाइस होंगी अमाउंट होगी क्या काम करवाया कितने में करवाया फॉर भी फॉर बैड डेट में नहीं होगा ठीक पहले रीजन कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एस्टीमेट्स जजमेंट्स अनसर्टेनिटीज होती हैं जिनकी वजह से ना तो उनको एक्यूरेटली हंड्रेड परसेंट एक्यूरेटली कैलकुलेट किया जा सकता है ना ही वेरीफाई किया जा सकता है और हिडन कंसेप्ट क्या हमने सीखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के वो सारे एरियाज जिनमें एस्टिमेट्स जजमेंट्स अनसर्टेनिटीज होती हैं, वो ज्यादा मुश्किल होते हैं उनमें रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट ज्यादा है कि अंदाजा गलत हो सकता है दूसरी चीज ये अब ये पढ़ लेते हैं, तीन थोड़ी हम लॉजिकल कर लेते हैं। टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन के में अच्छा इसमें आपने कॉस्ट बोल लिखना पड़ना पूरा है कुछ लडिट में ऐसे होते हैं वो कंप्लीट फ्रेज के तौर पे यूज होते हैं लेकिन अहम लफज एक ही होता है ठीक है जैसे आ, हम उर्दू में भी ऐसे होता है क्या हाल चाल है भाई ठीक है अरे हाल चाल इसमें एक लफज भी बोला जा सकता है भाई क्या हाल है वही मीनिंग देता है ना तो अगर इस तरह के अल्फाज है ना क्या हाल चाल है तो मैं सिर्फ आपको हाल का मतलब बताऊं चाल का नाम बताऊं तो आपने भी नहीं सोचना वो ये बस ट्रेंड है कि इकट्ठे बोले जाते हैं अल्फाज ठीक है जी तो यहाँ पे टाइम एंड कॉस्ट इकट्ठा बोला जाता है लेकिन फोकस आपने टाइम टाइम पे करना है टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन जरा इमेजिन कीजिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनती है एनुअल पूरे साल की बनती है उसमें क्लाइंट का काम डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है एक मिडिल लेवल की कंपनी हो ना उसमें कामर्स डिपार्टमेंट कोई समझ लीजिए आठ से दस लोगों का होगा और उसको ऑडिट करने के लिए जो टीम आएगी वो चार पांच लोगों की होगी ठीक है ये ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि आप जब ऑडिटर बनेंगे तो असल में दस बंदों के बराबर एक बंदा काम कर रहा होगा आप में से हर वक्त ये आपको इस चीज की ट्रेनिंग करवाई जाएगी ठीक है तो चार पांच लोगों की टीम अब खुद बताइए लेकिन फिर भी हंड्रेड परसेंट काम फिर भी नहीं कर सकेंगे आप मुझे ये बताइए क्या चार पांच लोगों की टीम आठ दस लोगों का पूरे साल का काम वेरीफाई कर सकती है नहीं कर सकती पूरे साल का और खास तौर तो पे जब उन्हें टाइम सिर्फ तीन सवा तीन महीने दिए गए हो, क्योंकि कमनी लिखा हुआ है कि जैसे ही साल खत्म हुआ उसके बाद 120 दिन के अंदर अंदर एजीएम होगी और उसमें ऑडिट रिपोर्ट दी जाएगी तो क्या आठ दस लोगों का पूरे साल का किया हुआ काम चार पांच लोगों की टीम तीन महीने के अंदर अंदर कर सकती है नहीं कर सकती इसे कहते हैं टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है हमने काम जल्दी करना होता है इसीलिए हम हर ट्रांजैक्शन को वेरीफाई नहीं कर सकते ज्यादातर को कर लेते हैं ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल थोड़ा सा ज्यादातर को कर लेते हैं लेकिन हर एक को मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन को हम चेक कर लेते हैं ठीक है लेकिन हर ट्रांजेक्शन को चेक नहीं इसलिए टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन की वजह से हम एवरी ट्रांजेक्शन को वेरीफाई नहीं कर पाते हम फिर क्या करते हैं सैंपलिंग करते हैं सैंपलिंग क्या होता है कि 100 परसेंट ट्रांजेक्शन को नहीं चेक करना बल्कि 100 परसेंट से कम ट्रांजेक्शन को चेक करना है और फिर बताना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं सैंपलिंग करना है

सैम्पलिंग करते हैं सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है सैम्पलिंग ये टेक्निकल वर्ड है सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है 100% से कम चीजें सेलेक्ट करके बताना कि ये ठीक है कि नहीं अच्छा आप बताइए कि ऐसा मुमकिन है कि हम किसी चीज को 100% से कम टेस्ट करें और बता दें ये ठीक है कि नहीं ये बिल्कुल है बिल्कुल ऐसे है ये तो इतना आसान काम है कि हमारी वालदा भी ये काम करते हैं खाना बनाती हैं, चावल बनाती हैं, बिरयानी बनाती हैं, तो सही बनी है कि नहीं है? उसमें मसाला ठीक है कि नहीं कैसे होता है क्या वो सारी बिरयानी खा के चेक करती है सही बनी है कि नहीं yes, नहीं सारी बिरयानी <laughs> अपने दुख याद आ गए भाई को आज तक बिरयानी नहीं मिली भाई को मुकर जाओ मुकर जाओ है? तो उसमें क्या थोड़ा तो ये सैम्पलिंग सिर्फ हमारे ऑडिट प्रोफेशन में नहीं है और भी बहुत से प्रोफेशन में है इवन आईके एप ने भी जब ये देखना होता है ना कि ये बच्चा पास होने के काबिल है कि नहीं तो वो ऑडिट का हर सब्जेक्ट का हर कंसेप्ट आपसे नहीं पूछता क्या करता है, Sampling. Sampling करता है। चंद एक कंसेप्ट पूछता है उसकी बेस पे फिर डिसीजन देता है क्योंकि आईके एप को भी टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन वो कहता है भाई ये हम एक हर एक स्टूडेंट के लिए एक एक टीचर अरेंज करे जो उसको वैल्युएट करे और वो उसे हर हर कंसेप्ट पूछे ऐसा पॉसिबल नहीं है हमारे पास ना इतना टाइम है ना इतनी कॉस्ट है तो जब टाइम एंड कॉस्ट नहीं होता क्या करते हैं का मतलब क्या है हंड्रेड परसेंट से कम ट्रांजेक्शन को चेक करना और सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बताना कि वो ठीक है कि नहीं। इसके बाद आगे चलते हैं फिर नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर ऐसे नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर में क्या प्रॉब्लम है पहली चीज ये हेडिंग है नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर इसके आगे उसने तीन पॉइंट्स दिए पहला पॉइंट ऑडिटर को कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाती ऑडिटर ना सिर्फ पूछ सकता है या रिकॉर्ड चेक कर सकता है उसे वो सारा रिकॉर्ड मैनेजमेंट से मांगना पड़ता है ठीक है कि सर मुझे ये चीज चेक कीजिए ये ये, ये चीज मुझे प्रोवाइड कीजिए मैंने चेक करनी है ये चीज प्रोवाइड कीजिए तो आइटर को हो सकता है मैनेजमेंट कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना दे जैसे हो सकता है कुछ परचेज इनवाइसेस हुई है हुई हैं इनवाइसेस हैं लेकिन वो मैनेजमेंट ने रिकॉर्ड ही नहीं की आइटर ने कहा जी मुझे सारी परचेजेस का रिकॉर्ड दीजिए उसमें उन्होंने जो दस बारह ट्रांजेक्शन थी उनका रिकॉर्ड ही नहीं दिया आप खुद सोचिए परचेजेस के की आपने चेकिंग करनी है परचेजेस का टी अकाउंट ओपन करेंगे उसमें से आइटम को सिलेक्ट करेंगे ना तो जो आइटम उसमें रिकॉर्ड ही नहीं हुई वो कैसे पता चलेगा सही है कि गलत है वो मुश्किल हो गया ना इसीलिए पह, जो इंफॉर्मेशन हमें बताई जाए उसको तो हम चेक कर सकते हैं सही है कि गलत है भाई जो इंफॉर्मेशन बताई ही नहीं वो मुश्किल हो जाता है हालांकि आपको सिखाया जाएगा कि उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं लेकिन मुश्किल हो जाता है ऐसा ही है अच्छा दूसरी चीज हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मैनेजमेंट प्रोवाइड से मांगनी है हमने मैनेजमेंट हो सकता है कि हमें सारी इंफॉर्मेशन ना दे ये पहली लिमिटेशन होगी क्या अगर हमें अंदाजा हो कि मैनेजमेंट के ये जो दराज है इसके अंदर परचें पड़ी हुई है हैं वो जो इन्होंने नहीं बताई क्या हम उसको जबरदस्ती ले सकते हैं No, नहीं ले सकते हमारे पास सर्च वारंट नहीं है सर्च वारंट हमारे पास लीगल पावर टू सर्च नहीं।, नहीं है हमें कन्फर्म भी होना कि किसी जगह पे रिकॉर्ड मौजूद है याद रखे हम छापा मार के हम जबरदस्ती वो रिकॉर्ड मैनेजमेंट से नहीं।, नहीं ले सकते मैनेजमेंट ने अगर रिफ्यूज कर दिया हमारे पास लीगल पावर टू सर्च नहीं।, नहीं है पुलिस के पास होती है आपको पता है लीगल पावर टू सर्च लीगल पावर टू सर्च भी होती है और इल्लीगल पावर टू सर्च भी है हमारे पास कोई भी पावर नहीं है लीगल पावर टू सर्च यानी वो से सुनेगा ये पॉइंट अजीब लगेगा आपको शुरू में कि मैनेजमेंट के सामने दराज में इंफॉर्मेशन पड़ी है हमने वो इंफॉर्मेशन उससे मांगी मैनेजमेंट कह रही है मैंने प्रोवाइड नहीं करती भाग जाओ तो याद रखिएगा हम जोर जबरदस्ती करके लड़ाई झगड़ा नहीं करना है सिचुएशन में क्योंकि हमारे पास लीगल पावर्स नहीं है अच्छा बताइए फिर क्या करना चाहिए स्टैंडर्ड में क्या लिखा होगा सबर करना ऐसी बात भी नहीं है रिपोर्ट में लिख दें स्टैंडर्ड में ये लिखा हुआ है आप रिपोर्ट में लिख दें शेयर होल्डर्स ये मैनेजमेंट ने हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की अब तुम जानो ये मैनेजमेंट डायरेक्टर जाना लीगल पावर टू सर्च नहीं है तो फिर कौन सी पावर है रिपोर्ट में लिखने की पावर है और यही सही काम है जो करना लाई झगड़ा नहीं करना चाहिए रखिए मैनेजमेंट दे गुड नहीं इंफॉर्मेशन देगी तो लीगल पावर टू सर्च नहीं है रिपोर्ट की पावर है हमारे पास फिर एंड कंप्लेक्स टेक्निक ये जरा गौर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड होते हैं क्लून का मतलब है फ्रॉड जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलजुल अच्छा काम करें उसे कहते हैं यूनियन 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 ही स्ट्रेंथ है बड़ा कर देते लेकिन जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर गलत काम करें फ्रॉड करें उसे कहते हैं कोलुयन तो बाज़ुकात फ़ाइनेंस जो ऐसा होता है कि कोलुअन है और कंप्लेक्स ट्रांजैक्शंस होती हैं। है फ्रॉड है, है कंपनी के अंदर जिनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है अब ये आपको बात अजीब लगेगी जब मैं आपसे ये कहूंगा ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एक्यूरेसी चेक करने जाता है फ्रॉड डिटेक्ट करने नहीं जाता यह बात आपको समझ नहीं आएगी शुरू में आप कहेंगे सर दोनों का मतलब तो एक है याद रखिए जो फ्रॉड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक्यूरेसी चेक करने के लिए ठीक है फर्ज कीजिए यह एक जमीन है इसमें हमने देखना है कि यह जमीन ए, कोई ए, फसल उगाने के लिए ठीक है कि नहीं और उसके लिए नॉर्मल प्रैक्टिस है कि जी पांच छह फुट तक खुदाई करके देखा जाता है फर्ज कीजिए मुझे पता नहीं वैसे दे रहे। ठीक है जी अब हमने पांच फुट खुदाई की जमीन खरीदी पांच छह फुट खुदाई की और उसके ऊपर फसल उगाई फसल उगा रहे हैं। दो साल बाद एक केस की तफ्तीश हुई और पता चला हमारी जमीन से एक लाश बरामद हुई है और वो लाश थी बीस फुट नीचे और पुलिस ने हमें पकड़ लिया अब पुलिस कह रही है भाई तुम्हारी जमीन तुम खुदाई करते रहे हो और यह कैसे हो सकता है कि आज तक तो तुम्हें लाश का पता ही ना चला हो वो पकड़ के ले गए बताइए क्या हमें लाश का पता होगा क्यों नहीं होगा खुदाई कर हमारी जिम्मेदारी थी खुदाई करना क्या नहीं जिम्मेदारी थी और जिम्मेदारी थी कि नहीं थी बताइए जिम्मेदारी थी तो क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर सके हा क्योंकि हमने जो काम करना था जिस काम की जिम्मेदारी ली थी उसके लिए खुदाई पांच फुट तक करना जरूरी था वो लाश तो बीस फुट में दफन थी तो क्या वो पांच फुट का काम है? अब क्या हम हर जगह पे जमीन फसल काश करनी है लेकिन बीस फुट तक खुदाई करेंगे कहीं इसमें लाश तो नहीं है ऐसे थोड़ी करेंगे फिर वो लाश ही के पीछे पड़े रहेंगे फसल नहीं उगेगी ऐसा हाँ अगर कहीं आपको इंडिकेशन मिल जाए ना कि यहां लाश दफन है स्मेल आ रही हो फॉर एग्जाम्पल ठीक है तो वहां पे आप 20 फुट तक कर सकते हैं लेकिन अगर नॉर्मल हालात हैं, तो याद रखें हमारी जिम्मेदारी में रीजनेबल लेवल तक काम करना है 100 परसेंट डिटेल में जाके देखना हमारी जिम्मेदारी अब कुछ ट्रांजैक्शन होती है रूटीन की जो फ्रॉड जो बंदा करता है आपके ख्याल में क्या फ्रॉड वो ऊपर कौन से ट्रांजेक्शन रिकार्ड कर देता है दे। बाकायदा प्लानिंग सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स टेक्निक्स यूज की जाती है उसे छुपाने के लिए तो बताइए अगर सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स यूज की जाए छुपाने के लिए कंप्लेक्स टेक्निक्स यूज की जाए छुपाने के लिए खुद बताइए ऑडिटर जिसका नॉर्मल परपज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की चेकिंग करना है फ्रॉड डिटेक्ट करना नॉर्मल परपज नहीं है दोनों में फर्क है क्योंकि फ्रॉड जो है वो बीस फुट नीचे जाके छुपाए जाते हैं और हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन पांच फुट पे हो जाती है तो मुझे बताइए अगर कुछ ऐसे फ्रॉड हो जो कम्प्लेक्स टेक्निक्स के जरिए छुपाए गए हो, क्या वो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे तो ऐसे फिर हंड्रेड परसेंट एश्योरेंस दे पाएंगे क्या नहीं दे एक ये रीजन ये भी होती है कि सम टाइम कुछ फ्रॉड जो हैं जो तो फ्रॉड याद रखे जो लास्ट दो तीन फुट पे दबाई गई होगी ना वो हम पकड़ लेते हैं अब कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं सर इसका मतलब है हम ये कंसेप्ट बना लें कि लाश बरामद करना हमारी कभी भी जिम्मेदारी नहीं है नहीं नहीं ये भी कंसेप्ट गलत है अच्छा। सही अच्छा। कंसेप्ट क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन करना आपकी जिम्मेदारी है पांच फुट तक खुदाई में फाइनेंशियल में वेरिफिकेशन हो जाती है इस पांच फुट में जो लाश पड़ी हुई है वो निकालना हमारी जिम्मेदारी है समझ रहे हैं वो लेकिन जो बीस फुट में दफन है वो हमारी जिम्मेदारी नहीं।, नहीं है इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम हर फ्रॉड को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे जो हमारे नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर से फ्रॉड आइडेंटिफाई हुआ होता तो वो तो कर लेंगे लेकिन जो फ्रॉड बड़े कॉम्प्लेक्स तरीके से सोफिस्टिकेटेड टेक्निक से किया गया वो फ्रॉड हम आइडेंटिफाई नहीं।, नहीं कर पाएंगे और इसमें हमारा कसूर भी नहीं है हमें नहीं फांसी लगेगी कि हमने आइडेंटिफाई क्यों नहीं किया हमारा कसूर नहीं है तो यही रीजन है कि हम सारे फ्रॉड डिटेक्ट नहीं कर पाते तो जरा मुझे बताइए क्या हम अपने ऑडिट में सारे फ्रॉड डिटेक्ट कर लेते हैं क्यों नहीं कर पाते क्योंकि जो फ्रॉड के जरिए से सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स के जरिए से किए गए हो उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है तो ये बात भी समझ आ गई नेचर ऑफ फाइनेंशियल समझ आ गया नेचर ऑफ फाइड समझ आ गया यहां पे एक कंसर्ट समझ लीजिए जहां कहीं दुनिया में किसी भी सब्जेक्ट में सिर्फ ऑडिट की बात नहीं कर रहा दुनिया में कोई भी सब्जेक्ट सीए की बात नहीं कर रहा है एम बी ए पी एस डी कहीं भी सब्जेक्ट में जब कोई हेडिंग होती है क्लासिफिकेशन होती है क्या होती है क्लासिफिकेशन तो उसमें हमेशा जजमेंटल डिफरेंस आता है जैसे हो सकता है आप सोचे ना जब ओवर थिंकिंग करे क्या करें ओवर थिंक तो आपको लगे यार ये हेडिंग इधर नहीं इधर होनी चाहिए थी ये जो इसने ये हेडिंग देके इसके अंदर ये वाला पॉइंट लिखा है ना ये नीचे इसके साथ होना चाहिए था तो यहाँ पे जजमेंटल डिफरेंस आता है इस सिचुएशन में आपने क्या करना है जो लिखा हुआ है कोशिश करनी है उसी को फॉलो करें जहां कहीं लिस्ट का आएगा ना याद रखे जजमेंटल डिफरेंस आएगा आप कहेंगे सर बाकी सारे समझ आ गए ये एक या दो पॉइंट है ना हर पॉइंट में फर्क नहीं आएगा एक या दो में आएगा ये इधर नहीं इधर होना चाहिए था तो वो जजमेंटल डिफरेंस होता है आपने उस पर ज्यादा नहीं सोचना जो लिखा है आपने सिर्फ ये सोचना है सर ने इस हेडिंग के अंदर लिखा है तो कुछ ठीक ही लिखा होगा मुझे भी बाजुका डिफरेंस महसूस होता है लेकिन नहीं आइडेंटिफाई कर पाता क्योंकि आई के एफ ने क्वेश्चन पूछना होता है जब सोल्यूशन बनता है तो ज़ाहिर आपको पता है सोलूशन तो वो आपने जो बुक में क्लासिफिकेशन लिखी होती है उसके मुताबिक ही करता है तो हमारी भी कोशिश होती है जो आई के एफ की बुक है ब्लाइंडली उसी को फॉलो करें ठीक है जी क्योंकि आई के पेपर तो जाहिर है उसमें से सेट करना है तो हमारी बुक अगर आई के के मुताबिक नहीं होगी तो उसमें उन्नीस बीस फर्क आ सकता है ठीक है एक दफा ऐसे हुआ था एक हेडिंग थी उसमें आई कैप के बुक में पांच पॉइंट थे तो मुझे लगा एक पॉइंट सही क्लासीफाई नहीं हुआ वो मैंने सही क्लासीफाई कर दिया आई कैप ने वो कंसेप्ट पांच नंबर के साथ पूछ लिया वो चार छोड़ को तो छोड़ कितने लिखे आए हुए चार एक नंबर तो चला गया और उसमें गलती किसकी थी उस्ताद की उसके बाद फैसला कर लिया भाई आई कैप ने जो चीज जिधर लिखी है ना उधर ही फिट करनी है ताकि अगर हटने वाला सवाल पूछे हमारे पॉइंट्स पूरे बन रहे हो वैसे अब बाई कैप वो पहले पुराने जमाने में होता था अब बाई कैप मार्जिन देता है आपने देखा वो, वो क्वेश्चन देखा वो पांच एलिमेंट है पांचों नहीं पूछे एनी फोर अब पहले नहीं दिया करता था फिर प्रोसीजर बेस्ड ऑन जजमेंट आईटर के प्रोसीजर आइटर की जजमेंट पे डिपेंड करते हैं और जजमेंट क्या हो सकता है मे बी फॉल्टी जजमेंट जजमेंट करते हैं ना पाकिस्तान इंडिया का मैच है टॉस हुआ पाकिस्तान के कैप्टन ने जीत लिया पाकिस्तान का कैप्टन बैटिंग करेगा बॉलिंग करेगा जो भी करे उसने हारना ही है यह तो पक्का ही है।, है लेकिन उस वक्त करेगा क्या यह उसकी जजमेंट है वो उस वक्त के हालात को देख के फैसला करेगा भाई हवा तेज है कम है बादल आ रहे हैं नहीं आ रहे किधर का करूँगा वगैरह वगैरह जो भी फैक्टर ऐसे ही है क्या लाजमी है कि जो उसकी जजमेंट हो वो बिल्कुल ठीक हो नहीं बाहर के बाद में वो सारे कमेंटेटर कहेंगे नहीं नहीं पहले बॉलिंग नहीं करनी चाहिए पहले बैटिंग करनी चाहिए थी भाई जजमेंट फाल्टी हो सकती है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हम अंदाजा लगाते हैं टीचर अच्छा ये कंसेप्ट के आने का चांस ज्यादा है क्या वो कंसेप्ट लाजमी आ जाता है क्या जा। जजमेंट yeah, है जजमेंट जहां भी अप्लाई करेंगे हो सकता है फॉल्टी हो और आप सही नतीजे पे ना पहुंच सके रिजल्ट सही ना आए इसी तरह ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए भी याद रखिए बात एक चीज को वेरीफाई करने के बहुत से तरीके होते हैं जैसे हमारे कंपनी का स्टॉक अगर किसी दूर दराज की लोकेशन में पड़ा हुआ है तो उसमें तीन तरीके बताए जाते हैं तीन में से कोई भी कर ले नंबर वन खुद जाके चेक कर ले कंपनी का स्टॉक वो बलूचिस्तान में नंबर टू उधर का जो वेयर हाउस मैनेजर है उसको लेटर लिख लें सर दूर है आने जाने में पैसा ज्यादा लगेगा हम आपको लेटर लिख के पूछ रहे हैं आपका कितना स्टॉक है बता दें ये भी तरीका है तीसरा मेथड के प्रोसीजर क्या हो सकता है कि हम वहां के लोकल ऑडिटर से कहें सर आप हमारे पेटी भाई हैं हमारे बिहाफ पे आप जाके इस स्टॉक को काउंट कर लें जरा देखिए तीनों तरीकों से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्टॉक वेरीफाई हो रहा है अब कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करें कौन सी जजमेंट है कौन सी एक करें कौन सा दो या तीनों के तीनों करने क्या है जजमेंट है और हो सकता है बाद में पता चले ये नहीं ऐसे नहीं ऐसे कर लेते तो ज्यादा अच्छा था तो ज्यादातर प्रोसीजर जो हम परफॉर्म करते हैं वो क्या होते हैं जजमेंट और जजमेंट फॉल्टी हो सकती है एग्री करते हैं फिर इसके बाद ये तो आपने पढ़ा हुआ लिमिटेशन इन इंटरनल कंट्रोल हम मैनेजमेंट से पूछते हैं मैनेजमेंट क्या पूछ रहे हो हमसे कि हम हंड्रेड परसेंट एश्योरेंस क्यों नहीं प्रोवाइड करते ये रीजन पूछ रहे हो हम हंड्रेड ऑडिट में हंड्रेड परसेंट श्योरेंस क्यों प्रोवाइड नहीं करते परफेक्ट ये पूछ रहे हो तुम मुझे ये बताओ चलो ऑडिट तो हमारा काम है इंटरनल कंट्रोल डिजाइन इंप्लीमेंट करना चलाना किसका काम है मैनेजमेंट क्या आप अपने काम की हंड्रेड परसेंट गारंटी देते हो वो कहता है नहीं सर हमारे इंटरनल कंट्रोल में भी कुछ स्ट्रोंग होता है तो कभी कुछ वीक भी होता है उसमें डेफिशिएंसी भी आ जाती है आ जाती है ना हमने कहा वाह तुम्हारे इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसी आए तो वो जायज है और हमारे ऑडिट में कोई कमी बेशी हो जाए तो वो पूछते हो कि क्यों नहीं हंड्रेड परसेंट इंश्योरेंस प्रोवाइड करते है? इसलिए कि तुम्हारा इंटरनल कंट्रोल भी डेफिशियट होता है वीक होता है और तुम्हारे इंटरनल कंट्रोल में वीकनेस की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट हो जाती है तो हम उनको भी दरमियान में ले आए भाई तुम्हारी भी वजह वजह हम अपना काम सही नहीं कर पाते उसमें एक रीजन कौन सी है आपके भी ठीक है लिमिटेशन भाई एग्री करते हैं कि वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल एक रीजन है वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल लिख लें या लिमिटेशन इन इंटरनल कंट्रोल लिख लें बात है और आखिरी चीज स्टाफ में नॉट बी अवेलेबल ऑलवेज स्टाफ का टाइम होता है नाइन टू फाइव स्टाफ का नौ बजे से पांच बजे छुट्टी पांच बज के पांच मिनट में आपको मिलता कोई नहीं है कोई स्टाफ का बंदा और हमारा टाइम होता है सुबह ऑडिट के शुरू में सुबह दस बजे से लेके साढ़े तीन तक ऑडिट के शुरू में और जब डेढ़ महीना गुजर जाता है ऑडिट का एंड आखिरी डेढ़ दो महीने आ जाते हैं फिर सुबह के साढ़े दस बजे शुरू करते हैं हम और रात के दो बजे तक एक दो बजे तक काम चलता है अब पांच बजे के बाद सात आठ बजे आप बैठे होंगे लेट शेडिंग कर रहे होंगे कोई चीज सामने आई क्लाइंट से पूछना है क्लाइंट के ऑफिस में गए उधर बैठा होगा कि आपको बताने के लिए फिर आप क्या करेंगे आप कहेंगे अच्छा क्लाइंट ने क्या करें पेल दे पेल देंगे पेल दे एक फिलोसफी है या आता आहिस्ता आपको समझाएंगे ठीक है फिर क्लाइंट हमेशा अवेलेबल तो आप थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज अंदाजा लगा के हम उस काम को निपटा देते हैं या फिर कल सुबह पे छोड़ देते हैं देखे? तो ऐसे होता है क्लाइंट का स्टाफ हमारे पास हमेशा अवेलेबल नहीं, हो। नहीं होता तो समाइम हम अगले दिन का इंतजार करते हैं सम क्या करते है? देते हैं <laughs> क्लाइंट ने ठीक है ठीक है, थीक है, थीक है जो कि करना नहीं चाहिए करना नहीं तो ये रीजन है कुछ समझ आए yes. जरा क्विक रिविजन करते हैं बेसिक कंसेप्ट आज हमने क्या सीखा कि आर्टर क्यू हंड्रेड परसेंट इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर पाता पहली रीजन क्या थी नेचर ऑफ फाइनेंस फाइनेंशियल में के कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिनमें में जजमेंट अनसर्टेनिटी है उन्हें एक्यूरेटली वेरीफाई भी नहीं कैलकुलेट नहीं किया जा सकता वेरीफाई भी नहीं किया जा सकता, सकता। दूसरी रीजन क्या है नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर ऐसे हैं कि हंड्रेड परसेंट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं हो सकती बाजूका क्लाइंट हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देता हमारे पास लीगल पावर टू सर्च नहीं होती जो पुलिस वालों के पास है वो तो बुलवा लेते हैं वो बंदा मुजरिम चुपे भी बैठा हो आपको पता तरीके होते हैं उनके पास हमारे पास वो तरीके

उस वजह से भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में स्टेटमेंट रह जाती है और स्टाफ भी हो सकता है अवेलेबल अच्छा अब सुन लीजिए हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट ठीक है इस सेशन में मैं थोड़ा सा टेस्टिंग सिस्टम में चेंज करने का सोच रहा हूँ पहले हर हफ्ते टेस्ट हुआ करता था तो टोटल हमारे पास हफ्ते होते थे पूरे सेशन में कोई बारह दूसरे कोई दरमियान में मॉक वगैरह भी होता है उसको निकाल के वरना टोटल मैक्सिमम सोलह हफ्ते हैं लेकिन हमारे चैप्टर हैं बाईस तेईस तो कुछ चैप्टर्स को इकट्ठा करना पड़ता था आ, इस सेशन में मैं क्या करने जा रहा हूं हर चैप्टर का अलग टेस्ट टेस्ट की तादाद ज्यादा ठीक है तो बाजुकात तो वो वीकली होगा बाजुकात किसी वीक में दो टेस्ट होंगे आपको इतराज तो नहीं आ गई वो आपको बता दिया करूंगा मैं ठीक है तो आपका चैप्टर वन कंप्लीट हो चुका है चैप्टर वन का टेस्ट होगा आपका नेक्स्ट वीक में शेड्यूल आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा कल कल या आज रात को लेकिन टेस्ट की तैयारी आपने शुरू कर देनी है ठीक है चैप्टर वन आपका कंप्लीट हो गया और इसमें अच्छे कंसेप्ट थे ऐसे कंसेप्ट इस चैप्टर में थे जो फाउंडेशन है और आगे चल के यूज होने असाइनमेंट और टेस्ट की तैयारी ये वीकेंड है आइडियल टाइम आ गया चैप्टर भी खत्म हुआ दर से वीकेंड भी कल दबा के आपने चैप्टर तैयार करना ठीक है जी आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम अल्लाह हाफिज़